निहंग सिंह जथेबंदियों वालों जथेदार राजा राज सिंह जी वो मंच ते आउणगे, वो आण के तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करनगे। राजा राज सिंह जी आओ, बाबा जी आज राजू जेड़ा भी आ गया उत्ते राजा राज सिंह जी ओ मंच ते आउणगे, ओ तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करनगे। जथेदार राजा राज सिंह जी आओ जी। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सारे गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सारे बधाई दे पात्र हैं। अज जिहड़ा मोर्चा 2.5-3 महीनों तो लग्या होया इत्थे, इहदे विच पूरी चढ़दी कोला होई है। पिछले दिनों तो लैके जो चर्चावां चल रहियां सी वी मोर्चे दे नालों जूथ टुट गया जां होर कई बखरेवे हन, अज उह सारे बखरेवे जां बखरेवे पाउण वालियां नूं मूँह ते चपेड़ है इह कि सारे नौजवान सारिया निहंग सिंह जथेबंदियां संयुक्त मोर्चा पूरा भारत का किसान पूरा भारत का मजदूर अज एक मंच ते एक दे विच आ गया, अज एका हो गया सारिया का। अज सारिया नूं बहुत बहुत बधाइया साडे वल्लों पेश करदे हां। इस मोर्चे दे जिहड़े नौजवान हन वह मोर्चे दे रीढ़ दी हड्डी का काम करदे हन। ये मोर्चे नौजवानों की बहुत घाट रड़कती सी जिहड़ी अज पूरी होई है। तुहानूं पता है कि पिछले दिनी जो मोर्चे दे विच उतरा चढ़ा आए वह सारिआं नूं पता है, सारिआं ने देखे ने, सारिआं ने पिंडे ते हटाए हन। साडे नौजवानों नूं जेलां दे विच बंद करता है, साडे उत्ते हर रोज़ कोई ना कोई झूठे परचे पाए जा रहे हन। कल भी पुलिस वालों सरकार वालों 200 फोटोआं जारी कीतियां गईआं हन, उहदे विच सानू फड़न वास्ते सानू डराउण वास्ते इहो जिहियां गिद्दड़ धमकियां दे रहे हन। पिंडां दे विच छापे मारे जा रहे हन। डरन की लोड़ नहीं, जे संघर्ष जदों लड़िया जांदा प्यारी साध संगत जी उदों कुरबानियां हुंदियां ने, उदों शहीदियां हुंदियां ने, उदों परचे पैंदे ने, उदों जेलां दे विच जी जाण दा मौका बणदा। उत्थे जेलां विच वी सानूं डकिया जा सकदा है, डके जा रहे ने साडे नौजवान वीर अते साडे उत्ते जिहड़े किसान संयुक्त मोर्चे दे आगू ने उहनां उत्ते वी इह परचे पाए गए हन। होर वी बहुत सारे नौजवानां दे विच परचे पाए गए हन। पहलां समें दे हिसाब दे नाल पिछले समयां दे विच टका टका मुल रखिया गया सी सिखां दे सिरां दा, अज भी नौजवानां दा लख लख 50-50 हज़ार रखिया गया। ओ कबर कुरबानियां, अज भी ये नौजवान भारत देश दा किसान तैयार खड़ा, अज भी पिछे नहीं हटिया, अज भी चढ़दी कला दे विच बैठे हो तुसीं। मैं सरकार नूं दसना चाहुंदा है कि असीं सारे इक भुलेखे दे मत रही कि साडे विच कोई बखरेवा हो गया। आ देख लो ठाठा मारदा इकट्ठ, कल निहंग सिंह जथेबंदियां ने इस मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते एके लियाउण वास्ते नौजवानों ना रलाउण वास्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सी। अज तुसीं उसका नतीजा देख रहे हो। हरियाणा पंजाब भारत का नौजवान अज वीरां कत के इस संयुक्त मोर्चे के मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ गया है।
जिहड़ियां चर्चावां चल रहियां सीगियां कि मोर्चा डावांडोल हो गया इत्थों चले गए, आ तुसीं देख सकते हो इत्थे कोई डावांडोल नहीं होया, कोई इत्थों गया नहीं है। मोर्चा उदों दुगणा ते तिगणा हो के खड़ गया, डट गया। असीं किसान संयुक्त मोर्चे दे जिहड़े आगू ने उहनां दे नाल खड़े हैं। मैं बेनती करूँगा, सानूं डरन दी लोड़ नहीं। जे पंजाब दे विच हरियाणा दे विच साढ़े पुलिस जांदी है दिल्ली दी, उहनूं उत्थे ही बंद कर लो, छड्डो ना, कुट्टण दी लोड़ नहीं, मारन दी लोड़ नहीं, उत्थे बिठा लो। जिन्ना चिर साढ़े पंजाब दी पुलिस आ के उह इनकुआरी नहीं कर लैंदी वी उह सही ने जाली ने, कई बारी RSS दे कुत्ते भी वर्दियां पा के तुहानूं फड़न जाके जा सकदे ने। इह तुसीं ने देखणा हैगा, भज्जण दी लोड़ नहीं, तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं। मैं तां कहिंदा जिहड़े साडे लखां सधाणा जिहड़ा साडा नौजवान वीर है, जे उहदे उत्ते परचा पाया होया उह वी इत्थे बैठे, असीं फड़न नहीं देंगे, असीं एके दे बच्चा नहीं फड़न देंगे। क्यों भजदे आ, क्यों मोर्चियां तों डरदे आ? डरन दी लोड़ नहीं हैगी, इत्थे आ जाओ, बह जाओ इत्थे, कोई गल नहीं। जे सरकार गिरफ्तारियां चाहुंदी है, असीं सारे जेलां भरन नूं तैयार हाँ। फड़ ले किन्नां नूं फड़दी आ, भर ले जेलां, कर ले तैयार, कोई डरदे नहीं। असीं जेलां तों, कोई परचियां तों डरदे नहीं हैगे। साडे नौजवान ये मोर्चे दी रीढ़ दी हड्डी हन, असीं तैयार प्रत्यार हाँ, संयुक्त मोर्चे दे नाल असीं खड़े हाँ। मैं पहलां बेनतियां कर गए नौजवान कि सानूं सख्त ते शांतमई तरीके दे नाल जिहड़े फैसले ओह लैणे चाहीदे ने। असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, तुहाडी पिठ ते खालसा पंथ खड़ा है, निहंग सिंह जथेबंदियां खड़ियां ने। तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं, तुहानूं झिकण दी लोड़ नहीं किसे तों भी। सरकार नूं खुल्ला सैलेंट कर जो, अजे तां गुरमुख ये अंदोलन होया है, शहीदियां होईयां ने, फड़ो फड़ाई हो रही है, अजे पता नहीं की कुछ होगा। जे तुसीं इन्हां दे रोह नूं पछाणे, सरकार पछाणे, अज ये मोर्चा पूरे भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का मोर्चा बन चुकिया है। ये तुहानूं सरकारां बदनाम करनियां चाहुंदियां हन, कदे हिंदू सिख का रौला पवा के, पर अज असीं जाग चुके हैं। ना असीं हिंदू सिख की लड़ाई पाउणी है, ना मुसलमान हिंदू की लड़ाई पाउणी है। अज सारे एक दे विच ने, पूरे 85% लोग भारत दे, ये उहनां दा मोर्चा है, कल्ले पंजाब दा हरियाणे दा नहीं, भारत दे विच 7643 जातां हन। अते मुसलमान जिहड़े वीर उदण आए सीगे, मौलाना सैयद नुमानी जी, जिहड़े 25 करोड़ ये मुसलमान वीरां दी अगवाही करदे ने, उहनां ने तुहानूं समर्थन दे दित्ता है। असीं निहंग सिंह जथेबंदियां ने अते किसान मोर्चे वाले आगूआं ने रल के 27 तरीक नूं भगत रविदास जीआं दा अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दे गुरमुख प्यारिओ साथी भाई संगत सिंह जी उहनां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दा ऐलान कीता है। 25 तरीक नूं इत्थे अखंड पाठ आरंभ होणगे, 27 तरीक नूं वड्डे पद्धर ते नगर कीर्तन कीता जाएगा। जिहड़े रविदास भाईचारे दे फुलवाड़ी है ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਗਾਇਤ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, RSS ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਜਾਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਬੋਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ OBC ST ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਣ ਜਾਤ ਸ਼ੂਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਕਸ਼ਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੜਾਗੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੜਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਲਾਗੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੌ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਤਲਾਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਗ ਜਾਓ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਢਾ ਲਿਓ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 5 ਜਾਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਮ ਕੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਬਸਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 85% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈਵੀਐਮ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਗ ਈਵੀਐਮ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਯੂਥ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਚਲਾ ਲਵੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ
तरसेम सिंह जी तरना दुलदे मुखी महते चौंकीए ये सारिया निहंग सिंह जथेबंदियां संयुक्त मोर्चे किसान दे नाल ने अते नौजवानां दे नाल खड़े हाँ असी मोढ़े नाल मोढ़ा जुड़ के असी नहीं हिलदे इत्थों मोर्चा जित के फिर असी जाना है उन्हां चिर पूरे तौर पर डटे हुए हैं डरन की लोड़ नहीं घबराउण की लोड़ नहीं चढ़दी कला दे विच बुलंद हौसलियां दे विच खुशियां दा जिकर हो जावे फतेह पावे निहाल हो जावे सत श्री अकाल भुल्लां चुक्कां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार राजा राज सिंह जी का बहुत ही जज्बाती लहजे दे विच उन्होंने तुहाडे नाल अपने विचार सांझे कीते ने। हुण मैं बेनती करांगा सिरसा साहब नूं ओह आउण ते ओह संगतां दे नाल अपने विचार सांझे करन। उन्हां तों बाद कुलजीत कौर जी जो टीचर यूनियन दे आगू ने ओह तैयार रहन ते उन्हां तों बाद कृष्णा देवी जी जो हैदराबाद तो ने वह भी नेड़े रहन स्टेज दे सिरसा साहब नूं बेनती करदा कि अपने विचार संगतां दे नाल सांझे करन। सिरसा साहब बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज अते पंडाल दे विच बैठे हुए समूह किसान वीरों आगू साहबान सत्कार योग भैणां ते बच्चियां सब तो पहला फतेह अर्ज करदा बुलाओ गज वज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने अज कोई तुहाडे नाल विचार सांझे नहीं करने मैं तां केवल अपने नौजवान बच्चों का इत्थे धन्नवाद करन वास्ते ही दो शब्द कहने ने जिन्हां नौजवान बच्चों के प्रति बहुत सारा ये वावेला उठ रहा सी कि नौजवान जड़े ने वो संयुक्त मोर्चे तो वो नाराज ने वो कुछ इस तरह दियां गल्लां जड़ियां मीडिया च आ रही सी और उहदे संबंध विच देश विदेश तो रात दिन फोन भी आउंदे सी इत्थे मिल के भी गल करदे सी ते सारयां दे मन दे विच एक बहुत वड्डी चिंता सी कि साडी जिहड़ी लड़ाई आ उह केंद्र सरकार दे नाल जिहड़े खेती विरोधी कानून ने उह रद्द कराउण लई MSP पूरे भारत च लागू कराउण लई इहदे नाल होर भी मंगां जो किसानी दे नाल संबंधित ने उहनां दे संबंध विच सी पर इह जिहड़ा इस टाइम ते मीडिया दे राही जो होर रौला पै रहा है इहदे ते बहुत चिंतित सन उस चिंता नूं दूर करन वास्ते जो कि दास दी ड्यूटी लगी अते गुरु दी कृपा नाल इह सेवा लई गई। मैं तां केवल अपने नौजवान बच्चों का जिस तरह के रेशम सिंह नवदीप सिंह अते संदीप जो कि स्टेज तो बोल के गए ने आ देवी लाल दहिया अते राणा जी जो कि हरियाणे ते पंजाब के नौजवान बच्चे ने जिन्हां ने अज ये जड़ा उतों मार्च लिया के इत्थे स्टेज ते पहुँचे ने इन्हां दा केवल धन्नवाद करदा मेरे को शब्द नहीं जिन्हां शब्दां नाल इन्हां दा धन्नवाद करा निहंग सिंह जथेबंदियां जो कि इस संघर्ष दे विच बहुत योगदान पा रही ने और एकता कराने विच भी इन्हों का बहुत वड्डा योगदान है। शब्द कई ऐसे होंगे ने कि कईयों वो सुन के होंदा है कि ऐ शब्द नहीं सी कहना चाहिए पर बुलारे ने अपने जिहड़ा सोच ते समझदे हुंदा वो शब्द कह जांदे ने। सो मैं बेनती करा कि अज जो ये नौजवानों ने साडे कोले मंग रखी है जदों मेरी इन्हां नाल गलबात होई तो पुछया भी की गिले शिकवे ने इन्हां सारे बैठ के जदों असीं सांझे कीते तो अज लिखती तौर पर भी इन्हां ने सानू यह पत्र जिहड़ा ये सुलझा वजों दिता है। इहदे विच सब तो पहली मंग इन्हां दी ये है कि नवरीत सिंह जो कि पुलिस की गोली नाल
26 जनवरी नो शहीद होया है ओनू शहीद दा रुतबा दिता जावे शहीद अलानिया जावे। मैं इन्हां नू कल भी दस्या सी अज भी इस स्टेज तो दसना चाहना है कि नवरीत सिंह नू असी शहीद अलान चुके हाँ संयुक्त मोर्चे वालों। ये कला सरसा नहीं संयुक्त मोर्चे वालों ये शहीद अलानिया जा चुका है। ये संबंध में और इन्हां दी फिर अगली गल ये है कि उहदे संबंध में इस स्टेज तो कोई समागम होना चाहिए। ये भी मैं बेनती करांगा कि सादीपुर साहब तो इस तरह रजिंदर राजू जो कि औलख जिहड़े कि माझा संघर्ष कमेटी के प्रधान ने इस तरह साड़ी हुण मीटिंग चल रही है 32 किसान जथेबंदे की संयुक्त मोर्चे च असीं उहनूं शहीद ऐलान चुके हाँ। सो उहदे संबंध में समागम कराउण लई असी मीटिंग दे विच इह विचार जरूर करके ते हर हालत इह समागम कराया जाएगा। और अगली गल यह है कि जिस तरह इन्हां ने एक गल होर की है कि जिहड़े 26 जनवरी नूं जो दिल्ली दे विच किसानां ते परचे होए ने उहनां नूं रद्द कराउण लई जो है वह सरकार नूं अल्टीमेटम दिता जाए। यह जिहड़ी गल है इहदे विच संबंध में अज 32 जथेबंदियां विच भी विचारी जाएगी ते उस तों बाद संयुक्त मोर्चे की मीटिंग विच भी यह जिहड़ी विचार है वह की जाएगी। इस तरह तीसरी जो मंग है इन्हां दी इन्हां दे सुझाव ने कि जिहड़ियां दिल्ली पुलिस वल्लों पंजाब जां दूसरे सूबियां विच जिन्हां नूं नोटिस कढ़े जा रहे ने समन कढ़े जा रहे ने 26 जनवरी के संबंध में ते वह जदों भी कोई दूसरी स्टेट दे विच गिरफ्तार कर लई जांदे ने ते उत्थों दीआं सरकारां नूं ये अल्टीमेटम दिता जाए कि वह सरकारां उत्थों दे किसानां नूं गिरफ्तार कराउण तों वह अपने बनदी जिम्मेवारी निभाउण ताकि पंजाब जां होर सूबियां तों उन्हां किसानां नूं दिल्ली पुलिस जिहड़ी आ वह गिरफ्तार करके इत्थे ना लिया सके। पर यह सारा जिहड़ा ती चौथी गल उन्हां दी एक होर है कि जो ये सरकार ने कंक्रीट की दीवार चिनी है ये दीवार हटाउण वास्ते भी करना चाहिए। मैं समुचे नौजवान बच्चों इन्हां दे नाल आए हुए समूह किसान वीरां नूं निहंग सिंह जथेबंदियां नूं सारिआं नूं यह विश्वास दिवाउणा है कि जो तुसीं दस्सिआ जिस तरह शहीदां रुतबा दे चुके हैं समागम बारे मीटिंग तरीक रखी जाएगी ये तो पूरी है। बाकी सारिया गल्लां मीटिंग विच रखिया जाणगियां और अगे तो तुहानूं यह विश्वास दिवाउणे आ कि कोई भी गलबात होवे जिस तरह के मेरी गल कमलदीप सिंह जो कि पिछे लंगर भी चला रहे ने उन्हां दे नाल भी गल हुई नौजवानों के विच ने ते आपा कोई भी गल होवे ते साडा ते तुहाडा यह फर्ज बनता है कि असी कोई भी गल अगे तो जिस तरह तुसी अज ये गल इत्थे कीती है स्टेज ते सानू पूर्ण भरोसा है कि कोई भी नौजवान मीडिया विच अपनी गल अपने संयुक्त मोर्चे जां कोई भी होर गल नहीं करेगा जिदे नाल दुनिया दे विच जिहड़े साडे हमदर्द विदेशों में बैठे ने उन्हां नूं चिंता पैदा हुंदी है कि आ नौजवान नाराज ने क्यों नाराज ने। असी किसे नूं नाराज नहीं होण देना सारिआं नूं साडा फर्ज बनदा है कि असी गलवक्कड़ी च लै के जिहड़ा पिछे होया उहनूं भुल के सारिआं ने रल के केंद्र सरकार दे नाल सीधी टक्कर लै के असी अपना ये जिहड़ा साडा जोश जो साडी अपनी एकता है शांतमई रह के असी संघर्ष लड़िया है शांतमई रह के सरकार ते एकता का दबाव बना के ये संघर्ष असी जितना है।
तिने खेती विरोधी कानून रद्द कराने लई MSP पूरे भारत लागू कराने लई बाकी होर भी बहुत मंगा ने जिवें कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जां होर किसानी नाल ये साडा जिहड़ा संघर्ष है ये केवल किसानी दे नाल संबंधित है जिस करके असी पूरे देश दे किसान जातां तों धर्मां तों आते सारे फिरकियां तों उपर उठ के ये जिहड़ा संघर्ष है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे नाल जो बैठा स्टेज दी हुण कारवाई चला रहे ने सरदार बूटा सिंह जी शादीपुर बहुत सूझवान ने राजू साडा जो भी फैसले होंदे ने वो मीटिंगां तय करके किए जाते हैं कोई कल्ला बंदा फैसला नहीं कर सकता। सो उम्मीद है कि देश विदेश में वसदियां सिख संगतां नूं अज दा सुनेहा ये खुशियां भरा सुनेहा उन्हां कोल पहुँच गया होगा वो सुन रहे ने लाइव प्रोग्राम अते इस तों बाद उन्हां दे होण ये जिहड़ी चिंता सी वो दूर हो गई होगी पर चिंता किस नूं होनी है वो जरूरी है दसना चिंता इस एकता की यह जड़ी अज की कार्रवाई हुई है ये फिक्र पाऊगी अज सोचण लई मजबूर कर दूगी अज उन्हां लोकां दी नींद हराम हो जूगी जिहड़े दिल्ली दे विच वो केंद्र सरकार चला रहे ने। सो इहनां बेनतियां करदा तुहाडा सारिआं दा नौजवानां दा धन्नवाद करदा होइआ खिमां दा दातका बला फतेह फतेह दा जवाब फतेह च इस तरह ना चाहिए दिल्ली दियाँ कंधा जड़िया वो मोदी सरकार दियाँ दिल्ली च बैठे लोग साढ़े हमदर्द ने अज गुरदीप सिंह भी साढ़े बच्चे थे स्टेज पर बैठे ने उन्हों का भी धन्यवाद। सो सारे का धन्यवाद है पर फतेह का जवाब इस तरह होना चाहिए कि मोदी दे कल पाड़ जान उहदे हमदर्दां दे ते साढ़े देश विदेश बैठे हमदर्दां नूं वो खुशी भरिया पैगाम जाए बलाव गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा साहब का हुण रेशम सिंह जी कोई गल करनी चाहुंदा ने उन्हां तो पहला मैं बेनती करूंगा कि जेडे इधरों गड्डियां कुछ दुध दियां आ रहियां ने ते जेडे ट्रैक्टर अपने खड़े ने थोड़ा जिहा अगे कर लै जाण क्योंकि दुध जेड़ा उन्होंने लंगरां दे विच पहुंचाउणा है ये बेनती जरूर प्रवान करियो। हुण रेशम सिंह जी कोई अपने विचार सांझे करना चाहते ने उन्हां नूं बेनती करांगा वो अपने विचार सांझे करन। रेशम सिंह जी बेनती करदे जी सारे साथियों नूं जिहड़े मार्च का हिस्सा बन के आए सीगे मेरे साथी भरा किसान बजुर्ग हुण आपां जिहड़ी अगले वाली स्टेज है वो तो आपां जाणांगा उत्थे भी आपां जिहड़े सेम ने सुझाव ने देने ने ते हुण आपां दुबारा काफला अपना उधर जाऊगा तो कृपा करके इधर स्टेज के सज्जे हत्थ कट्ठे हो लो सारे जणे हुण मैं बेनती करा बीबी कुलजीत कौर जो टीचर यूनियन के आगू ने वह मंच से आ के अपने विचार सांझे करन ते जेड़े उस मार्च के वे जाण वाले साढ़े साथी ने नौजवान वीर मावां भैणा आस्ते आस्ते आराम दे नाले तो निकलिया जाए कि कोई डिस्टर्ब ना होवे ते ना कोई हिलजल होवे हो जी। हुण मैं बेनती करदा बीबी कुलजीत कौर ओ मंच ते आउण ते अपने विचार सांझे कर आओ जो मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए मन्नू सानू वड्डण लगा असी दूण सवाए होए असी दूण सवाए होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राष्ट्रीय एकता दी भावना दा सबूत सारी दुनिया दे विच आज जो असी दे रहे हाँ शायद ही किसी ने दिता होवे ए लोक राज जेड़ा सानू आज दे निजाम ने दिता है उस दे प्रति दो लाइना लोक राज कलोल राज कोई फर्क नहीं रजिया रजी जावे भुखा अही तही मरावे
शरीफ तो खो खो लुच्चे दे परोसे दो बांदर वंड बिल्लियां दी लड़ाई लूंबड़ हाथ सरदारी आई लूंबड़ हाथ सरदारी आई ओ चौंदे काला कुप हनेरा हो जे अन्ना गूंगा बोला सिर्फ पुतलियां दी बस्ती विच बसदा हड मास दा गोला हो जे वाह निजाम तेरे दे वारे लुटेरे दल्ले दलाल चोर डाकू मलंग सारे देश भगत सत्यावादी जे हक मंगदे हां तां असी हां बागी जे हथियार फड़ के करदे स्वै दी राखी तां बन जांदे अतवादी तू बनावे सानू नक्सलवादी जे करिए लुटेरे कोलों असी अपने घरां दी राखी असी जीवी ते परजीवी अज सरकार नू वक्त पाया होया भी असी की चीज़ा ऐदा ही जिदा मेरे वीरां ने पहला गिरफ्तारियां दी गल की है गिरफ्तारियां दा एक संघर्ष 1984 दे विच होया सी जून 1984 तो बाद जदों ऐदा ही किसानी मसले उठे सी उदों करफ्यू लगा के सरकार ने किसान आगुआं दे झूठे मुकदमे पा के उन्हां नू जेलां च सुट दिता सीगा उस दे खिलाफ समुचे भारत दे विचों किसान आए सी दिल्ली गवर्नर हाउस दे सामने गिरफ्तारियां देण लई जिन्हां दे विच शरद जोशी महाराष्ट्र तो सी मांगे राम घासी राम गुजरात तो काफ़ी सारे किसान ते सरहंद ब्लॉक दे विचों उदों सरहंद ब्लॉक दे विच 209 पिंड हुंदे सी ते उह सारे जिले नू कल्ला ही रीप्रजेंट कर दिंदा सीगा मैं उस संघर्ष दा हिस्सा सी असी मुरिंडे जाके मुरिंडे वल जाके गिरफ्तारियां देनियां सी गवर्नर हाउस पहुंचना सी पर सानू रस्ते दे विच ही पुलिस ते फौज दी सुरक्षा दे विच रोकिया गया सी उस तो बाद बलवंत सिंह सानीपुर पिशौरा सिंह सिद्धूपुर प्यारा सिंह सोंटी जे मेरे वीर किते सुनदे होणगे पिछे ते अमर सिंह गुरदेव सिंह उच्ची रुड़की ते निरंजन सिंह खोजे माजरा जिन्हां दी हंजू गैस ना गोली लगन नाल बांह टुट गई सी ए सारे असी मुरिंडे थाने दे घरों करन लई चले सी उन्हां नू मुरिंडे थाने दे विच फड़ लिया गया सी उत्थे पुलिस दी मारकुट भी होई सी ए राजेवाल साहब ने एक दिन दस्या भी सी उस दिन तो मेरे विच है सी भी मैं स्टेज तो जाके दसा हाँ जी मैं बीबिया नू सिर्फ इन्ना कहना चाहूंगी कि असी शरण कौर ते शरण जेड़ी के हरी सिंह नलुए दी शरण विच आई सी उस दियां जाइयां सानू अपने बच्चे अपने घरों आप इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहिए ते इस संघर्ष नू सफल बनाउण लई हरेक घर का गृह मंत्री जो मेरिया भैणां दे बीबिया ने इत्थे वध चढ़ के आओ ता जो असी इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ लड़ सकीए अते स्वामीनाथन रिपोर्ट जिहड़ी है उस नू लागू कर सकीए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह साडा इक भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा शहीद रवि सिंह अमर रहे साडा इक जिंदाबाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद जी हुण मैं बेनती करांगा बीबी रविंद्रपाल कौर गिल जो जय किसान संघर्ष अंदोलन दे जनरल सैकटरी ने वह भी आके मंच ते 3 मिनट वास्ते उन्हां दा समां है ते उन्हां तो बाद प्रेरणा राणा लड़की आई है यूपी तो वह आउण वह भी अपने 3 मिनट दे विच अपनी गल करन दा जतन करन प्रेरणा राणा नौजवान लड़की वह अपने तुहाडे नाल विचार सांझे करूगी प्रेरणा राणा यूपी तो जो भी नहीं खोला वो खून नहीं वो पानी है और जो किसानों के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मैं आज यहाँ सभी लोगों को प्रार्थना करती हूँ और यहाँ सभी माता पिताओं को प्रार्थना करती हूँ कि अपने नौजवान जो बच्चे हैं अपने बेटा बेटी है उन्हें जरूर यहाँ लेके आए क्योंकि यहाँ केवल बुजुर्ग ही नहीं बच्चे भी आएंगे तभी जानेंगे। और भगत सिंह ने कहा है
जो पढ़ेगा वो इनकलाम लाएगा, और इनकलाम पढ़ने से आता है, तो पढ़ने अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस कानून के बारे में बताएं बच्चों को और जागरूक करें, और न केवल फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए यहाँ आए और परिस्थितियों को समझें और समझाएं अपने बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। 70% किसान यहाँ हैं, तो किसान कोई एक छोटा इंसान नहीं रह गया, 70% एक बहुत बड़ी आबादी है। ये जो सरकार है ये हम चलाते हैं, किसान चलाते हैं। 70% जो किसान है, अपने आप को कम ना समझे, हम किसी से कम नहीं है, हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, हम सब एक हैं। हरियाणा, पंजाब और मैं खुद यूपी से हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ मुझे कितनी खुशी है यहाँ आकर, मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ देखकर। पर केवल हरियाणा और पंजाब ही नहीं है, हरियाणा पंजाब के साथ यूपी भी है और गुजरात है, बहुत सा हमारा पूरा हिंदुस्तान साथ है, किसान अकेला नहीं है, हम सब एक साथ है। और अभी कुछ देर पहले संदीप पवार भाई जैसा उन्होंने बोला कि अब हमें अपने नाम के पीछे किसान लगा लेना चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आज यहाँ बैठे सभी लोग अपने नाम के और अपने बच्चों के नाम के आगे किसान जरूर लगाएंगे। आज से मैं भी अपना नाम हमेशा प्रेरणा राणा किसान से जनवाऊंगी लोगों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा राणा दा, जिन्होंने ना दे नाल अपने अज ही मतलब किसान लिखना शुरू कर दिता है, ये बहुत वधिया गल है। हुण मैं बेनती करदा बाबा बलविंदर सिंह जी, वो उड़मा दल के